बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 9 फॉर सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट 2 है काइनेमेटिक्स। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है, पेज नंबर 40 ओपन करें, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन करते हैं। सबसे पहले जो है वो ग्राफ के थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। जब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लेते हैं तो जो डिस्टेंस है वो हम लेते हैं वर्टिकल लाइन पर और टाइम ले लेते हैं हॉरिजेंटल लाइन पर। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी को सेम रख लेते हैं अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, और वेलोसिटी और स्पीड को भी सेम रख लेंगे अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करें। तो पहला जो हमारा ग्राफ है वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव ना करे, रेस्ट में हो, जैसे ये देख लें कि यहाँ पर आकर रेस्ट में है, तो टाइम तो इंक्रीज होता रहेगा, ग्राफ टाइम की तरफ बढ़ेगा ग्राफ लाइन, लेकिन जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो ही होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल। अब है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो ये इसकी ग्राफ लाइन बनेगी। ये जिस हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसी हिसाब से टाइम जो है वो हर इंटरवल का। देखें कि हमारे पास जो है वो स्लोप है, पॉइंट स्लोप पर पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। ए से हम ड्रॉप करते हैं लाइन जो है वो वर्टिकल पर भी हॉरिजॉन्टल पर। तो ये देखें टाइम इंटरवल गिवन है 5, 10, 15, 20 और इसी तरह डिस्टेंस है 10, 20, 30, 40। ए और बी के दरमियान जो टाइम बनता है वो 5 और 15 के दरमियान बनता है 10 सेकेंड। इसी तरह जो है वो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है वो 10 और 30 के दरमियान 20 बनता है। तो बेटा नेक्स्ट पेज पर आए, स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्लोप ऑफ लाइन ए बी होगा, ये होगा डिस्टेंस ई एफ डिस्टेंस वाली लाइन पर, और टाइम है सी डी, दोनों डिस्टेंस है 20 और टाइम है 10, तो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कभी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर नहीं होता देन इट्स स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट है। इन दिस केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये ग्राफ देखें रेड कलर में, तो फिर इसको हम स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट से फाइंड आउट करें। टेंजेंट क्या है, किसी भी कर्व पर किसी भी सर्कल को एक पॉइंट से टच करती है जो लाइन पास होती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं। लेकिन पॉइंट पी पर हमने टेंजेंट कर टेंजेंट लिया है तो ये ट्राइंगल इसमें कंप्लीट होती है। तो देखें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को अगर टच करें तो ये 30 और जो हॉरिजॉन्टल पर 5 और 15 पर आ रहा है, और वर्टिकल अब इसमें जो 30 पर आ रहा है। तो स्लोप क्या होगा, आर एस, ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, आर एस ओवर एस क्यू होगा। आर एस जो है वो डिस्टेंस की तरफ जा रहा है और एस क्यू वो है टाइम है, क्यू एस। तो 30/10 3 मीटर पर सेकेंड हमने यहाँ पर पीक पर इसकी स्पीड फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट आ जाए बेटा पेज नंबर 41। अब है स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड और टाइम से क्या बनेगा, एक्सेलेरेशन बनता है। पहला ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो हम एक्सेलेरेशन क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलेरेशन जीरो है क्योंकि देखें हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम लेते हैं टाइम और वर्टिकल पर वेलोसिटी या स्पीड लेते हैं। अगर किसी बॉडी की स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकंड सपोज चेंज नहीं हो रही तो टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन स्पीड है वो सेम ही रहेगी। अब ये डिस्टेंस नहीं है, ये जहन में रहे, ये स्टॉप नहीं है, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से या स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन देख लें। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो उसी तरह जो है वो स्लो बनेगी ए और बी की, जिस तरह हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बना था। लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली, चेंज हो रही हो इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट में, दस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन होगा। तो डायग्राम देखें अपने बुक पर, तो अब इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। अब नेक्स्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ, इक्वेशन ऑफ मोशन है। 3 इक्वेशंस हैं, पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके, आपको पता है कि टीचर्स ने आपको बताया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और पेपर्स में लाजमी आती हैं। ग्राफिकली हम इनको सॉल्व करते हैं। पहले है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों के लिए आपको अलग-अलग ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेंगे।
ग्राफ को पहले देख लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पर हम जो है वो टाइम लेते हैं और वर्टिकल पर स्पीड। तो हम कहते हैं पॉइंट ए तक एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी वीआई से मूव कर रही है कांस्टेंट से, फिर अब इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। चेंज इन वेलोसिटी में हम आपको बताया कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट बी, बी से फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रॉ करते हैं, डी पॉइंट आएगा, फिर ए को जो है हॉरिजॉन्टली सी के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो अब ओ ए या डी सी, ये ए जितना ही होगा इनिशियल वेलोसिटी, और बी पर देखें डी से बी तक जो है वो क्या फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए बी का स्लोप फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये होगा बी सी ओवर ए सी। अब बी सी की वैल्यू नहीं पता हमें, पता है कि वैल्यू हमें किसकी पता है, बी सी किसकी, बी सी की वैल्यू नहीं पता, बी डी की पता है और सी डी। तो बी सी किसके इक्वल होगा, फुल डिस्टेंस बी डी माइनस सी डी, और ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, और ओ डी टाइम है, और बी डी वो है वी एफ, और सी डी कितना है वी आई। तो हैंस अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा वी एफ माइनस वी आई ओवर डी। तो टाइम डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, वी एफ फाइंड आउट करना है, वी आई इस तरफ प्लस हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड देखते हैं, इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ ओ ए। अब टोटल डिस्टेंस है तो टोटल एरिया देखें, पहले तो रेक्टेंगल बन रही है ओ ए सी डी, और फिर ट्राइंगल का एरिया ए सी डी, इन दोनों को ऐड करेंगे एरिया को तो इसके इक्वल टोटल डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी डी, रेक्टेंगल है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसमें लेंथ जो है वो टाइम है और ब्रेथ है जब वी आई, वी आई वी आई वी आई टी हो जाएगा, और रेक्टेंगल ट्राइंगल उसका एरिया आपको पता होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ बेस कितना है ए सी, और मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है बी सी, तो ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी, तो वन बाई टू ए सी या टाइम के इक्वल, और बी सी जो है वो है ए टी, देखिए ना वी एफ माइनस वी आई के इक्वल है, और वी एफ माइनस वी आई आपको पता है किसके इक्वल है ए टी, यहाँ पर तो ए टी ये आ जाएगा हाफ टी इंटू ए टी, तो आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो सिंस टोटल एरिया ओ ए बी डी, ये पूरा ओ ए बी डी ये ट्रेपेज़ियम से बन रही है ना, ये किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल का एरिया ओ ए सी डी और प्लस ट्राइंगल का एरिया ए सी डी। नेक्स्ट इस पर आते हैं बेटा पेज नंबर 46। एस इज इक्वल टू आ जाएगा दोनों का एरिया रेक्टेंगल का वी आई टी और ट्राइंगल का हाफ ए हाफ टी इंटू ए टी, तो एस आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो है वो ट्रेपेज़ियम का एरिया ही ले लेंगे, ये पूरी ट्रेपेज़ियम, ट्रेपेज़ियम में टू साइड पैरेलल होती हैं, ओ ए और बी डी पैरेलल हैं और टू नॉन पैरेलल हैं, ओ डी और ए बी जो है वो नॉन पैरेलल हैं। तो टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड ओवर टू और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट है ओ डी, तो टू डिवाइड है इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, टू एस इज इक्वल टू ए ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी सी ओवर ओ डी से, बी सी ओवर ओ डी वो ए के इक्वल है, बी सी आपको पता है वी एफ माइनस ए आई है और ओ डी है सी, तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस ए आई ओवर सी, बी सी ओवर ओ डी से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई किया, ये ओ डी कैंसिल आउट हो जाएगा टू एस, तो हमें पता बी सी ओवर ओ डी ए के इक्वल है और ओ ए प्लस बी डी ये किसके इक्वल है वी एफ प्लस वी आई, और बी सी किसके इक्वल है वी एफ माइनस वी आई, तो फार्मूला हो जाएगा टू ए एस इज इक्वल टू ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तीनों इक्वेशन आपकी होगी। नेक्स्ट बेटा पेज ओपन करें 49, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखिए ना, ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट, हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन को ऑब्जर्व करें, डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी और रिमेन कॉन्स्टेंट एज इट अप्रोचेस टू ग्राउंड। गैलीलियो जो था वो पहला साइंटिस्ट था टू नोटिस दैट ऑल द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट टू दियर मोशन मैसेज।
मैस कोई भी हो लेकिन वो एक जैसे ही एक्सेलेरेशन से नीचे गिरेंगे. वी ड्रॉ वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मैसेज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पीसा. पीसा के टावर से नीचे गिरा, लीनिंग झुका हुआ एक साइड पर. वी फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम में नीचे गिरे. द एक्सेलेरेशन ऑफ थ्री फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन. और इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. और सरफेस ऑफ अर्थ और इसके इस वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली. तो अब नीचे से ऊपर से नीचे आए टुवर्ड्स अर्थ आए तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और अवे फ्रॉम अर्थ हो तो वैल्यू नेगेटिव. आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया. अब एमसीक्यूज आपने इसमें 12 बनाने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और लर्न और राइट करना है. जिसमें इक्वेशन को आपने लाजमी लर्न करना है, ठीक है. ये तीनों में से लाजमी ये पेपर. थैंक यू वेरी मच.